नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बादलपुर गांव में और बादलपुर गांव में मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं चुनाव कार्यालय है। सतवीर नागर जो है गठबंधन के प्रत्याशी हैं और मेरे साथ में यहां पर जो है गठबंधन के ही कुछ लोग जो है ये कार्यकर्ता है, इनसे बात करेंगे क्या रुझान दिख रहा है। इनको बार बार जमीन पर जो है लोगों से मिल रहे हैं, क्या रुझान दिख रहा है बाबा? हम तो गांव बादलपुर के रहने वाले हैं। बादलपुर के रहने वाले हैं, हाँ। तो प्रचार के लिए इधर उधर भी जाते होंगे आसपास? हाँ, गांव में उधर भी आते जाते हैं। गांव में क्या रुझान दिख रहा है? और बढ़िया से देख रहे हो, बहन जी का ही सब साथ दे रहे हैं, उसी को ही जाएंगे हम। बहन जी का साथ दे रहे हैं, हाँ, उसी हम जाति से भी है, घर कुनबा से भी है। अच्छा, हमारा परिवार है, हम उसी के परिवार से है, खानदानी है, परिवार से लोग और भी लोग जुड़ेंगे क्या? आप लोग तो गांव के लोग हो गए। हमारे साथ में वाल्मीकि भी और जी मोमडन भी, जाटव भी, सब साथ में है। वो सब बीएसपी के लिए चाहते हैं, लेकिन बीजेपी तो कहेगी आप लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, 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 नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर जाति राजनीति, हमारा देश की राजनीति करनी जा रही है। सब समझ के लोग हमारे साथ हैं। हम जो है बहुजन जो गठबंधन बना है, ये जो ये कहते हैं ढोंग पीटते हैं हमने देश की रक्षा कर दी, ये कर दिए, ये हम ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि ये मोदी सरकार बताइए, ये जो जो सीमा नुकाय मैं चौकीदार हूँ, सीमा की रक्षा कर रहा हूँ, ये जो इतना सामग्री जो जो आतंक जो पुलवामा ड्रामा खेला उसने, क्या जनता पागल है क्या? भूल जाएंगे बात उनको? हेलो, आप ड्रामा कह रहे हो फिर आपको देशद्रोही कह देंगे? नहीं नहीं बताइए, क्या रुझान देख रहे हैं? रुझान हमारा जो गठबंधन का प्रत्याशी है, पहले तो 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले धूल भाजपा को चटाई थी, लेकिन इस बार तो गठबंधन का प्रत्याशी है, इस बार तो धूल चटाने से भी ज्यादा चटा देंगे। अच्छा। ये हमारे क्षेत्र में तमाम भाईचारा बनके, जो बहन जी ने भाईचारा कायम किया है, उस भाईचारा बनके जो वोट डालेगा, और भाजपा जो इस देश में जातीय धर्म के उन्माद भड़काकर और देश में उत्पात फैलाकर भाईचारा बिगाड़कर, ये तो हो गई नेताजी वाली भाषा आप जो बता रहे हैं जी। ये बताइए कि लोग कहीं नीचे नीचे मोदी जी की तरफ जो है फिर दोबारा चलेंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं, मोदी जी ने कौन सा काम किया बढ़िया? पहले वो चाय वाले थे, अब चाय वाले से हटके वो नीचे चौकीदार बन गए। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि चौकीदार की तो पेंट भी फटी हुई रहती है, कुर्ता भी फटा रहता है, वो फटे हाल रहता है, उसे 1500 तनख्वाह मिलती है। अब ये कौन सी चौकीदार? देखिए, आज जो चौकीदार, जो आपने चौकीदार की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ ये चौकीदार किस कंपनी के तहत भर्ती हुए थे, किस संस्था में? बड़ी गंभीर बात करते हैं। ये बताइए कि गांव में आप लोग जब जाते हैं तो गांव के लोग क्या बताते हैं सच में कि हाँ ये दिक्कत है, इसलिए जो है हम मोदी जी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे या आपके साथ आएंगे, क्या बताते हैं गांव के लोग? ये बताते हैं जी, जैसे मोदी जी ने कहा था, झूठों का जो पुलंदा बांधा था कि 15-15 लाख रुपये आपके खाते में देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपको पेंशन देंगे, एक भी काम जो नोटबंदी करी व नोटबंदी से बेचारा गरीब आदमी तो लाइन में लगाए, कोई अमीर आदमी तो कोई लगा ही नहीं है। तो सब लोग कहते हैं जो जीएसटी लगाई है, कितने भी जितने भी मोदी जी के वादे थे वो सारे झूठे हैं। सब लोग यही कहते हैं कि अब के झूठों की सरकार को हम नहीं बनने देंगे। ये बात आप लोग कहते हैं कि गांव वाले लोग भी कहते हैं? गांव वाले कहते हैं, फर्स्ट क्लास सभी कह रहे हैं। मैं अशोक नागर, भारतीय किसान यूनियन अम्बापुर का राष्ट्रीय युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ जो हो रहा है ये कोई मोदी जी से कोई खिलाफ नहीं है, राजनीति ना सब समाज जो कह रहा है, यहाँ विकास नहीं हुआ, ये रोजगार नहीं भटकते हुए घूम रहे हैं हमारे क्षेत्र में, तो रोजगार नहीं दिया जो हमारे केंद्रीय मंत्री उससे नाराज है, सब मोदी जी से कोई नाराज नहीं है, सब समाज सतवीर नागर के साथ है, क्योंकि वो युवा वो युवा युवा है, युवा का आगे के उसका भविष्य युवा के लिए सोच रहा है, इस हमारे सब समाज सब युवा उनके साथ है, मोदी जी से कोई बैर नहीं है। महेश शर्मा से सबके भी हुए, महेश शर्मा ने 5 साल में कुछ नहीं करा, खाली रोजगार खत्म करा है यहाँ, मोदी जी से कुछ बैर नहीं है किसी है, मोदी जी के एक यहाँ बहन जी के गौतम बुद्ध नगर क्या नाम है गौतम बुद्ध जनपद की यहाँ जनपद की सीट हमारे यहाँ बहन जी के सम्मान में निकलेगी। यही बात जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी से बैर नहीं है, तो लोग तो कहेंगे ना कि मोदी जी के नाम पे वोट दो। नहीं नहीं, मोदी आप ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी से बैर नहीं, तो बीजेपी वाले तो कहेंगे ठीक है मोदी जी से बैर नहीं, तो मोदी जी के नाम पे वोट दे दीजिए। देखो, मोदी जी से कोई बैर नहीं, बहन जी का गृह जनपद है और बहन जी का पहले काम देगा, इसलिए बहन जी को दोबारा यहाँ के लोग बहन जी को सत्ता में देखना चाहते हैं। मोदी जी से खुश है? नहीं, मोदी जी खुश नहीं है। आप तो कह रहे हो बैर नहीं, मोदी जी गलत कह चुके हैं। मोदी जी ने जब कोई काम ही नहीं करा तो मोदी जी हमें विश्वास कैसे हो जाएगा? 5 साल मोदी जी ने
मोदी पूरी परेशानी है, सब लोग सब किसान परेशान है, मजदूर सारे परेशान है, मुझे एक पैसा खाते में नहीं भेजे और मोदी सब परेशान है। मैं बहन जी को चाहते हैं, पूरा जिला चाहता हूँ। माहौल देख रहे हैं, रुझान क्या है? माहौल ये है जी, माहौल एक तरफा है, बसपा के लिए वोट है, सतवीर नागर जी के लिए वोट है और किसी के लिए हम वोट नहीं। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं दिया किसी, अभी सैमसंग कंपनी थी, सैमसंग कंपनी में दूसरे स्टेटों से लोग ला के उसमें भर दिए, हमारे स्टेट का कोई नहीं लिया उसमें, तो हम क्यों लाइक करेंगे मोदी जी को? हमारे लिए तो यहाँ इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के नहीं पूरे प्रदेश के लिए, पूरे स्टेट के लिए बहन जी सर्वोपरि है। और बहन जी ने यहाँ पे काम किया है, उसी ने विकास किया है, उसी ने रोजगार दिया है। लेकिन मोदी जी तो कहेंगे ना कि उन्होंने इतने सारे काम किए, इतनी योजनाएं नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं, हमारे यहाँ किसी भी युवा, हमारे यहाँ किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला। किसान है, किसान तो 6,000 रुपए की स्कीम लेके आए आपके लिए, कुछ भी ना लेकर जिन्होंने लेकर आया, मोदी क्या लेकर किसी के पास नहीं आया, झूठे बात है सारे, सब जुमलेबाजी है। हमने 3 बार फार्म भर दिए, अभी किसी के खाते में पैसा उसका आया नहीं है, बल्कि सब्सिडी हम सब 3600 रुपए किलो गेहूँ खरीदे। मैं राजवीर मावड़ से हूँ और उसकी सब्सिडी आदि तुम्हारे खाते में चली जाएगी, गेहूं कटने को जा रहे, आज तक सब्सिडी ना मिली, खाद की मिली ना किसी चीज की मिलती। गांव में क्या रुझान है, कौन से गांव से आप? रुझान बढ़िया है जी। अरे नारे बचा के रखिए, 10 दिन का इलेक्शन बाकी है, बढ़िया रुझान है। किसका रुझान है? मायावती को, BSP को। क्यों? ऐसा है, मोदी ने 1000 तो स्कीम निकाल दी, योजना निकाल दी, कायम मिली है अभी एक आधी न्यू बूझ के देखे, एक भी नहीं मिली, किसे मिली है वो इतना हाथ था, किसे मिली हो? आप किसान है भी दे रहा, मजदूर है भी। आप तो जो है भी, ये जो बसपा के जो है अपने कार्यकर्ता है, तो आप लोग तो नहीं उठाए? गरीबी नहीं हटा रहा, गरीबन ने हटा रहा एक और। अच्छा, हाँ जी, सीधी सी बात ही है, कितनी तो फैक्ट्री बंद करी, कहाँ जाएंगे उनके बच्चे, क्या खाएंगे? वे तो अमरूद बेचेंगे, क्या कुछ चाय बनाएंगे कहीं अपने मेल में। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जो है गठबंधन है, BJP है और कांग्रेस भी है, वोट बट तो नहीं जाएंगे जो मोदी विरोधी जो वोट है कांग्रेस में और गठबंधन में? बसपा के लिए कांग्रेस भी अब पूरा दमखम से लड़ रही है, कितना भी लड़ो हाँ बसपा की वोट सबसे ज्यादा है, पहले भी आपको पता है, और आज 2000 उसमें 9 में भी आपको पता है, सुरेंद्र नागर जी जीते थे यहाँ से, और अब दोबारा सतवीर नागर जी जीतेंगे। अच्छा एक बात बताइए, बसपा की इतनी बात कर रहे हैं जी, तो गठबंधन है BSP SP और रालोद का जी, फालतू सीट सबसे ज्यादा किसकी रहेंगे? कार्यकर्ता जो है समझ गए चीजों को, बिल्कुल सब समझ गए, BJP केवल पागल बना रही है, बरगला रही है। आप बताइए क्या करते हैं? बेलदारी, बेलदारी करते हैं। क्या रुझान देख रहे हैं आपके गांव में? मैं तो बहन जी चाहिए अपने काम में। क्यों? बहन जी ने पहले नौकरी दिखाई हमें, अब मोदी ने नौकरी छीन ली। क्या नौकरी छीन ली? होंडा में देख रहा, होंडा में से निकाल दिए गए हम, नौकरी मिलती थी। अच्छा, बहन जी के राज में नौकरी मिल रही है, अच्छी नौकरी मिल रही है। आप क्या करते हैं? मेरा नाम मनोज कुमार और मैं खैरपुर गुजर का निवासी हूँ। क्या करते हैं? मैं सब्जी बेचने का काम है जी, मेरा मैं सब्जी बेचता हूँ, सब्जी बेचने का काम है। आप क्या रुझान देख रहे हैं? रुझान जी BSP का है, यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनेगी, सीट भी। BJP का क्यों नहीं आप बताइए? BSP का तो आप बताएंगे। BJP का सुनो जी, मोदी जी ने एक स्कीम आरोग्य योजना लॉन्च की थी, मेरा गांव में कम से कम 3,000 परिवार हैं, एक भी आदमी का अगर जो आरोग्य योजना कार्ड बना होता हमें बता दो। हमारा BSP में बहुत काम होते थे पहले, गरीब आदमी की भी सुनी जाते थे। मायावती का गाँव है बादलपुर जी, क्या माहौल है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल, गठबंधन को जाएंगी वोट ज़्यादा। मायावती का गांव है इसलिए? इसीलिए नहीं, उसकी बात है। ये मानो विकास कार्य जो जितने अच्छे उसमें हुए हैं मुलायम के टाइम में, क्या नाम, बसपा के टाइम में, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। आपने जिक्र छेड़ दिया मुलायम का, तो मतलब मुलायम और मायावती अब बिल्कुल नीचे तक एक हो गए। अब एक हो गए, अब बिल्कुल जमीन पे नेता कार्यकर्ता सब एक है। सब एक है, है? जो बात थी मायावती मुलायम वाली वो अब नहीं, खत्म हो गई, खत्म, गठबंधन होने के बाद कोई अब कुछ नहीं है, अब फिलहाल कुछ नहीं है, अब तो एकता में है सारी बात, एकता में है। इसीलिए जो है हमारी सीट है सतवीर नागर
तो गौतम बुद्ध नगर से सतवीर नागर जीते हैं गठबंधन के। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। जैसे इनकी आपकी 7 सीट रही, अब कहीं 7 मिल जाएंगे, बाकी 73 उधर को निकल जाएंगे। कांग्रेस भी तो लड़ रही है, बता दीजिए कि उसमें आ जाएगी अभी। अच्छा कांग्रेस भी उधर ही चलेगी? नहीं नहीं, कांग्रेस इसमें आ जाएगी 73 वाले में, और ये रह जाएंगे 7 में। अच्छा उल्टा होना है। फिर कांग्रेस ने गठबंधन में क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? अब ये तो इनकी बात है, क्या बात है। अच्छा बड़े नेता। चलिए तो आप बताइए बाबा, मायावती जी का गांव है, कितना क्या काम कराया आपके गांव में? बस जैसे दिख रहा होता आप लोगों को है। हाँ। एजुकेशन वगैरह ठीक हो रही है लड़कियों की, और पॉलिटेक्निकल है, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, रोड है, ये है, वैसे ATI वगैरह सब कुछ है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इतना है कि रोजगार नहीं दिया यंग लड़कों को। जैसे यंग आदमी बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। जैसे मोदी सरकार में रोजगार नहीं है, ऐसी इन सरकार में नहीं थी, सुविधाएं पूरी हुई, रोजगार की कमी रह गई। हाँ। आप बताइए जी, आप क्या माहौल देख रहे हैं? बस जो यही कह रहे हैं वही मैं ही कह रहा हूँ, माहौल ठीक ही। और क्या है, रुझान किसका नजर आ रहा है? आप बता तो रहे हैं मास्टर जी, मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या पता है? मोदी जी कैसे आ जाएंगे? हमारे यहाँ इलाका है ये। अच्छा ये मायावती का गांव है, मायावती की सीट है, मायावती का जनपद है यहाँ। तो मोदी जी कैसा है? मोदी मोदी कर रहा है, आप लोग कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे, ऐसे तो लोग कहते ही है, कौन नहीं कहता बताइए। अच्छा यूपी आप बताइए जी, नौजवान है, आपकी राय क्या कहती है? सतवीर नागर। सतवीर नागर बीजेपी नहीं, महेश शर्मा नहीं। आपके गांव में आए क्या महेश शर्मा जी, सांसद हैं इधर से? नहीं कोई नहीं आता, मायावती की वजह से यहाँ कोई नहीं आता, कोई नाम किसी को बुलाने के लिए राजी। अच्छा ये हुई ना बात, यहाँ अब की बार नहीं, पहले से कभी कोई यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आता, सबको पता मैं अखिलेश का टाइम में भी नहीं आया कोई भी, ना अखिलेश आया, सिर्फ आता ही कोई दूसरा नहीं आता दूसरा। आप क्या करते हैं? बुलाने के लिए राजी, न्यूज़पेपर बांटता हूँ जी। न्यूज़पेपर बांटते हैं तो हर घर में जाते हैं, आसपास के गांव में भी बांटते हैं क्या? हाँ जी। क्या रुझान देख रहे हैं आप? रुझान ये जी इधर की तरफ तो मायावती, मायावती बीजेपी, बीजेपी नहीं इधर, इधर की तरफ। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि बादलपुर और उसके 4-5 गांव या फिर और थोड़ा सा? और गांव भी है इधर में। हाँ जी। ये सीट पूरी निकल जाएगी गौतम बुद्ध नगर जो सीट है? हाँ आपकी वेर निकल जाएगी। महेश शर्मा दोबारा से जीतेंगे? हाँ जी। सतवीर नागर जीते, तुम ये क्यों नहीं कह रहे सतवीर नागर क्यों नहीं जीतेंगे? आप सतवीर नागर के जो है उसकी बात करेंगे ना, वो दोबारा जीत रहे कि नहीं जीत रहे, कोई नया आ रहा पूछेंगे ना पूछे? महेश शर्मा नहीं जीत रहे जी, नहीं जीत रहे, आता ही नहीं उधर को, देखता ही नहीं। जीतेगा बस, जीतेगा तो वही जो आएगा पब्लिक से मिलेगा आके। सतवीर नागर जीत रहे हैं, नागर जो सतवीर है इधर के एरिया में, वही करवाएगा जो कुछ करवाएगा इधर के एरिया में। मायावती का जो कैंडिडेट होगा वही काम कराएगा, महेश शर्मा कुछ नहीं करवाएगा इधर। इसी गांव से आप भी? हाँ मैं इसी गांव से। क्या करते हैं? मैं एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, तो क्या देख रहे हैं इस बार रुझान क्या आपके इधर? रुझान गौतम क्षेत्र में तो इस बार देखो गठबंधन की सरकार तो है, लेकिन जो बीजेपी का जो विधायक है या MP है, लोग बागों की सुनने में तो यही है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन की सरकार में इस बार SP या BSP चांस लगा सकती है। इस बार आप कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर विधानसभा में जो है SP BSP का गठबंधन है, वो चांस लगा सकती है। मोदी जी भी है दूसरी तरफ, उनका जलवा नहीं है क्या? मोदी का जलवा तो है लेकिन वो इंडिया में है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई होती है जिस क्षेत्र का विधायक होता है उसकी पॉपुलरिटी होनी बहुत जरूरी है, जो जनता तो सारे जो काम। उत्तर प्रदेश में तो सारे सांसद जो है उन्हीं के हैं, 73 सांसद 72 सांसद जो नहीं 72-73 सांसद तो है, लेकिन गांव में तो नहीं गए ना। अच्छा गांव की समस्या होती है उनमें तो नहीं गए, गांव में नहीं पहुंचे? हाँ जी गांव में नहीं पहुंचे। मोदी तो वैसे तो ठीक है, और अपने हिसाब से ठीक है, उनके जो भी सांसद है वो काम नहीं कर रहे हैं। इस बार दोबारा से उनके सांसद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? देखो इधर पब्लिक का डिमांड की बात है, हमारे कहने से क्या? आप कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहीं जनता जो है मोदी जी के नाम पे वोट दे देगी दोबारा, फिर दोबारा जीत जाएंगे? देखो ये तो समीकरण ही बता सकता है। हाँ जी ये बात हो सकती है क्या? बता सकता है, हो भी सकती है, दोनों बात हो सकती है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर मोदी जी के नाम पे जनता वोट करेगी?
हो सकता है मोदी के ऊपर ही वोट मिल सकती है, मिली तो नहीं तो और किसी के ऊपर मिलने का चांस नहीं है। तो मायावती के गांव बादलपुर का हाल तो हमने जान लिया, लेकिन क्या गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के जो मतदाता हैं वो भी गठबंधन के लिए वोट करेंगे या नहीं करेंगे? 11 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होनी है और इस सवाल का जो जवाब है वो 23 मई को मिलेगा कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के जो मतदाता हैं उन्होंने किसके लिए वोट किया है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरें लगातार देखने के लिए आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी बनी हुई है उस घंटी को दबा दें ताकि जैसी अगली कोई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।